हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस रफनेस एंड सरफेस वेविनेस। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए सरफेस टेक्सचर के बारे में। तो सरफेस बेसिकली दो तरीके का होता है, एक जो है वो प्लेन सरफेस है जिसको आइडियल सरफेस बोला जाता है, एंड एक जो एक्चुअल सरफेस है। यानी अगर मैं इसका माइक्रोस्ट्रक्चर चेक करता हूँ तो वो माइक्रोस्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा, वो है एक्चुअल सरफेस। ये इस सरफेस का अगर टेक्सचर मुझे मेजर करना है, यानी उसका नेचर मुझे मेजर करना है, तो मुझे दो पैरामीटर्स लगेंगे, एक है रफनेस एंड वेविनेस। इस सरफेस टेक्सचर को सरफेस फिनिश या सरफेस टोपोलॉजी भी बोली जाती है। तो मेरे पास, मैंने 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, एक वर्कपीस ड्रॉ किया है 3D, उसको आप 2D में भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। सो ये इसकी फ्रंट साइड, ये इसका टॉप पोर्शन। सो ये सरफेस टेक्सचर मेजर करने के लिए डेफिनेटली ये दो पैरामीटर्स मेजर करना बहुत जरूरी है, रफनेस एंड वेविनेस। लेकिन उसके अलावा भी दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो पहला पैरामीटर है जिसको मैं बोलूंगा फ्लॉ। इस सरफेस के माइक्रोस्ट्रक्चर पे आपको इस तरीके से इरेगुलरिटीज दिखेगी, यहां पर मैंने दिखाया है इस तरीके से कुछ बीच बीच में इरेगुलरिटीज दिखेगी। इसके रीजंस क्या है, बेसिकली अगर स्क्रैचेस आएंगे या कोई क्रैक आएंगे जब आप मशीनिंग करते हो तब, या कुछ ब्लो होल्स एल ट्रैप होने की वजह से आएंगे, तो उसकी वजह से ये फ्लॉ को आप स्क्रैच, सिंपली स्क्रैच भी बोल सकते हो। डेफिनेटली ये अगर रहेंगे, इसको आप कंप्लीटली इलिमिनेट नहीं कर सकते, आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। और इनके रहने की वजह से इस वर्कपीस का इफेक्टिवनेस, जिस एप्लीकेशन में वो यूज़ हो रहा है वहाँ पर इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी कम होगी डेफिनेटली। लेकिन फिर भी आप कोशिश करोगी इसको इलिमिनेट करने की विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो है ले। सो ले एक डिरेक्शनल कंपोनेंट है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ लाइन्स आपको दिख रही है, इस लाइन्स की जो डिरेक्शन है उसको मैं ले बोलूंगा, और ले डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर ये एक वर्कपीस है जो मैं टर्निंग कर रहा हूँ लेथ मशीन पे, तो मुझे कुछ इस तरीके के ले प्रोफाइल दिखेंगे, राइट, क्योंकि मैं टर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वही कंपोनेंट मैं अगर ग्राइंडिंग कर रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके के प्रोफाइल दिखेंगे। इसको बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल प्रोफाइल। उसी तरीके से अगर आप स्लॉटिंग कर रहे हो, आप मिलिंग कर रहे हो, तो आपको अलग अलग प्रोफाइल पैटर्न्स मिलेंगे, ले प्रोफाइल पैटर्न्स मिलेंगे। सो इसी तरह से ले प्रोफाइल, ये डिपेंड है कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज की गई है। उससे बाद जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो है रफनेस। सो रफनेस को प्राइमरी टेक्सचर भी बोला जाता है। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, मशीनिंग वर्कपीस पे स्टार्ट करता हूँ, तो स्टार्टिंग में मुझे रफनेस मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उसके बाद जब कंडीशन सेवर हो जाती है तो मुझे वेविनेस दिखाई देता है, ठीक है। रफनेस को भी मैं कंप्लीटली इलिमिनेट नहीं कर सकता, मैं ट्राई कर सकता हूँ कि रफनेस कम से कम हो सके, लेकिन वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सी यूज़ की गई है उस पर डिपेंड है। सिंपल मैं टर्निंग मिलिंग यूज़ कर रहा हूँ तो डेफिनेटली रफनेस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, लेकिन आप अगर फिनिशिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, जैसे कि लैपिंग है, होनिंग है, या कुछ एडवांस फिनिशिंग प्रोसेसेस है जैसे कि मैग्नेटोरियोलॉजिकल फिनिशिंग, तो डेफिनेटली आपकी रफनेस की वैल्यू बहुत कम आएगी। अगर ग्लास का भी एग्जांपल ले लो, तो ग्लास दिखता तो कम्प्लीटली प्लेन है, लेकिन फिर भी उसमें भी रफनेस वैल्यू आपको दिखेगी। माना कि वो रफनेस वैल्यू बहुत कम होगी, लेकिन रफनेस वैल्यू उस पर रहेगी ही। रफनेस प्रोफाइल मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, सिंपली मैं इस तरीके से रफनेस प्रोफाइल ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है, ये रफनेस प्रोफाइल है। सो रफनेस मेजर करने के लिए मुझे दो पॉइंट चाहिए, दो पैरामीटर चाहिए। एक जो है जो इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, जिसको मैं बोलूंगा रफनेस हाइट, ठीक है। और एक पॉइंट पैरामीटर मुझे चाहिए, वो है रफनेस विड्थ, जो कि ये और इस दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। सो ये रफनेस जो है वो रफनेस क्यों आता है, इसके रीजंस क्या है, तो उसका पहला रीजन है फीड मार्क्स ऑफ कटिंग टूल। पहला रीजन है फीड मार्क्स। डेफिनेटली अगर मुझे कोई भी कंपोनेंट पे मशीनिंग करनी है, उसमें कट लेना है, तो मुझे फीड तो देना पड़ेगा। सो उस पॉइंट, वो कटिंग टूल का पॉइंट है, उसके कुछ फीड मार्क्स
इनहेरेंट उस वर्कपीस पे आएंगे, उसकी वजह से आपको रफनेस उस वर्कपीस में दिखाई देगा। सेकंड है मटेरियल रप्चर, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। सभी कंटिन्यूअस मशीनिंग में ऑल द टाइम्स वो कंडीशन सेम नहीं रहती, कभी टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी भी है। सो मटेरियल रप्चर की वजह से भी आपको रफनेस दिखाई देगा वर्कपीस में। एंड थर्ड जो है वो है मशीनिंग प्रोसेस इटसेल्फ। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप सिंपल टर्निंग कर रहे हो या ड्रिलिंग कर रहे हो तो आपको रफनेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन वही आप अगर कॉस्टली फिनिशिंग प्रोसेस जैसे लैपिंग होनिंग यूज़ कर रहे हो तो रफनेस की वैल्यू कम आएगी। तो वो इनहेरेंट रफनेस इंड्यूस करती है वर्कपीस पे। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज वेवीनेस। सो यहाँ पर देखो ये रफनेस प्रोफाइल है, वहाँ से अगर मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से प्रोफाइल मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ सेपरेटली ड्रॉ करता हूँ, ये प्रोफाइल आपको मिलेगी और ये प्रोफाइल एक वेव की तरह दिख रही है, इसलिए इसको वेविनेस कहा जाता है। सो बेसिकली वेविनेस इज अ कंपोनेंट ऑफ रफनेस, वेयर रफनेस हैज रफनेस इज सुपर इम्पोज्ड, रफनेस प्रोफाइल इज सुपर इम्पोज्ड ऑन वेविनेस। सो रफनेस की वैल्यू निकाल के आप वेविनेस का पैटर्न, वेविनेस की प्रोफाइल निकाल सकते हो। सो वेविनेस निकालने के लिए भी मेरे पास दो पैरामीटर्स होने चाहिए। पहला पैरामीटर है ये दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं बोलूंगा रफनेस हाइट, सिमिलरली जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया। और एक कंपोनेंट चाहिए, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है उसको मैं बोलूंगा रफनेस विड्थ। तो रफनेस हाइट एंड रफनेस विड्थ निकाल के भी मैं वेविनेस निकाल सकता हूँ। जैसे आपने देखा कि रफनेस के कुछ रीजंस है, वैसे ही वेविनेस के भी कुछ रीजंस है। सो वेविनेस का पहला रीजन है वर्क और मशीन डिफ्लेक्शन इटसेल्फ, वर्क और मशीन डिफ्लेक्शन। अगर वर्क आपका अच्छी तरह से होल्ड नहीं किया है तो डेफिनेटली वो डिफ्लेक्ट होगा या मशीन डिफ्लेक्ट होगी, तो उसकी वजह से आपकी जॉब पे आपको वेविनेस प्रोफाइल दिखाई देगी अगर आप इसका माइक्रोस्ट्रक्चर चेक करते हो तो। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है वो है वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस और चैटर, यानी नॉइज और वाइब्रेशंस की वजह से भी आपको वर्क में वेविनेस दिखाई देगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीट ट्रीटमेंट, अगर आप वर्कपीस पे हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो या टूल टिप एंड उसके जॉब इंटरफेस में अगर टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो डेफिनेटली आपको उस वर्कपीस में वेविनेस प्रोफाइल दिखने के चांसेस ज्यादा है। तो इस तरीके से आप ये सब पैरामीटर्स निकाल सकते हो। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है रफनेस। रफनेस की अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हो तो डेफिनेटली वेविनेस इज अ कंपोनेंट ऑफ रफनेस। सो रफनेस की वैल्यू निकालने के बाद आप वेविनेस की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन रफनेस की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास कुछ रफनेस पैरामीटर्स हैं, जैसे कि RA, RY, RZ, RMS, ये सभी पैरामीटर्स की कुछ फॉर्मूलेज है। वो फॉर्मूलेज अगर हमें पता होते हैं तो डेफिनेटली मैं रफनेस की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकता हूँ एंड उसके बाद मैं वेविनेस के भी वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो ये सब पैरामीटर्स मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड क्योंकि मैकेनिकल के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर दिखाई देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।